दिस इज़ अ होटल फॉर नेक्स्ट टू डेज. इट्स कॉल्ड ग्रैंड सनराइज बुटीक होटल. इट्स लोकेटेड नियर माइके बीच. इट्स जस्ट इन वॉकेबल डिस्टेंस एंड दिस इज द व्यू. द टू मेन रीजन्स वाई वी चोज दिस होटल इज दिस सी व्यू एंड ऑल्सो अ स्मॉल पूल विच वॉज इन द रूफ टॉप. एंड छोटा है बट अपने लिए काफ़ी है. वी आर इन दनांग टुडे और हम लोग जा रहे हैं बाना हिल्स. वाह यार कलर्स देखो ना, मतलब येलो और ऊपर का स्काई का कलर और बिल्डिंग्स का वो ग्रे. एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू दनांग. आज हम लोग जा रहे हैं बाना हिल्स और ये हमारे होटल से अराउंड 28 किलोमीटर्स है. जाते हैं देखते हैं आगे क्या क्या है. सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, इतना सारा कलर्स है, कलरफुल है, सो ब्यूटीफुल. सो वी रीच्ड हियर एंड इट्स अराउंड 12:20 नाउ. सो वी विल टेक द टिकट्स एंड देन वी विल गो इनसाइड. सो यू कैन चेक द वेदर कंडीशंस यहाँ पे. और पर टिकट कॉस्ट 850,000 डॉन्ग्स था और बुफे के साथ इट इज़ 990. बट अभी आफ्टरनून हो गया है तो हम लोग नॉर्मल वाले लिए हैं बस. So Bana Hills, what is it? It's a kind of a hill station and a resort located in Truong Son Mountains, west of the city of Da Nang, Vietnam. So it was founded in 1919 by French colonists. इसलिए यहाँ पे एक French village भी है, which you will see a little later. And इस यहाँ पे जाने के लिए you have to take a cable car. और कोई option नहीं है ऊपर जाने के लिए. And इस place को Sun World Theme Park भी बोला जाता है. एंड वियतनाम में हर जगह ऐसे फिशेस दिखेंगे, हर जगह. दिस लुक्स गुड. दिस इज द फर्स्ट केबल कार स्टेशन. ये हम लोग को ले जाएगा गोल्डन ब्रिज पे. एंड ऐसे बहुत सारे स्टेशन से अलग अलग जगह जाने के लिए. सो हनोई से हम लोग दोनों का अलग अलग फ्लाइट था. तो त्रिशा रीच एट 9:00 AM और आई रीच एट 11:00. और उसके बाद हम होटल में चेक इन किए. होटल भी बहुत बढ़िया है. देन हम लोग बाना हिल्स आए ग्रैब किए थे बिकॉज वी हैड प्लान्स ऑफ बुकिंग स्कूटी बट टाइम लग जाता है, इसीलिए वी थॉट ऑफ बुकिंग अ ग्रैब. और हम लोग यहाँ पे आए 30 मिनट्स को ज्यादा ही है बट बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसको ऑल्टीट्यूड गेन हुआ है तो थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है बट बहुत बढ़िया है व्यू तो. ओके सो वी हैव दिस इज द ब्रिज जो हम लोग देखने आए इतने दूर.
went ahead and had another cable car. What? We'll ask the hotel this how it works. Maybe you take it and go. Oh, maybe this is the one stop, yeah? Ah, maybe. Hey, तो मुंह उधर है, पैर उधर है, हाथ उधर है और एक और हाथ उधर है। शायद ये ना अंदर घुस गया है जमीन पे। फ्लावर गार्डन, दिस इज अ फ्लावर गार्डन। फ्लावर किधर? और यहाँ पे आई डोंट नो वेयर आर द फ्लावर्स, ओनली रेड फ्लावर्स दिख रहा है इधर इधर, पर बहुत सुंदर है। ओह एंड दैट इज द मंकी, सी दिस। तो यहाँ पे ये पुच कर रहा है, दैट इज द गोल्डन हैंड्स ब्रिज, नहीं दैट इज द हैंड। Those are the two hands, जिसमें से एक ही visible है because of the cloud, fog, whatever you can say. बहुत ही घटिया ये मेरे को स्टैंड मिला है, आई बॉट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, डोंट बाय इट फ्रॉम देयर। ये केबल कार्स कहाँ जा रहे हैं, वी डोंट नो। अभी नवंबर है और अभी से क्रिसमस कैरल चालू है, डेकोरेशन कुछ ज़्यादा ही फास्ट है यहाँ का। Going to another station या another spot बोल लो, ये है French village क्योंकि actually people यहाँ पे रहते हैं in resorts and all. Here everything starts from right ना? True. Yeah. So this is the French village. शायद इसमें time लगेगा हम लोग cover करने में, right? Video में नहीं आ रहा होगा because of the fog. I think 850 was worth it. अगर बाकी सब ओपन होता और सही होता। That's what she said. तबीयत ना खराब हो जाए बिकॉज ऑलरेडी भीग चुके हैं सबसे। आइडियली सन वर्ल्ड कवर करने के लिए फुल डे लग जाता है एंड दिस प्लेस ओपन एट 7 AM एंड क्लोजेज एट 10 PM। हम लोग हनोई से दनांग ही बहुत लेट पहुँचे तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ हाफ डे ही मिल रहा है। जल्दी आने का ये भी फ़ायदा है कि बुफे वाला टिकट्स ले सकते हैं और बाकी कवर भी कर सकते हैं प्लेसेस जो हम लोग नहीं कर पाए। एंड
एंड ये हमारा लास्ट स्पॉट है, हम लोग टेम्पल की तरफ जा रहे हैं एंड जल्दी रैप अप करने बोला गया है बिकॉज आज फॉग बहुत है तो अंधेरा में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कुछ नहीं दिख रहा है, इट्स 5:00। हम लोग यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं बिकॉज वेदर थोड़ा खराब होने लगा है। वी आर इन स्ट्रीट्स ऑफ दनांग एंड गोवा जैसे ही फील आ रहा है बिकॉज सारा कैफेज ऐसे गोवा जैसे ही है। वी आर सर्चिंग फॉर इंडियन रेस्टोरेंट बट मिल नहीं रहा है। एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स वी फाउंड दिस इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग बिरयानी ट्राई किए थे एंड इट वॉज यम। एंड दिस इज हाउ वी एंडेड आवर डे। नोबडी वॉज देयर इन द पूल, सिर्फ हम लोग दोनों मस्ती में एकदम अपना टाइम पास करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।